शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 से। इससे पहले के बाकी सवाल आपको पार्ट वन और पार्ट टू में मिल जाएंगे, उनके लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, और भी कई इंपॉर्टेंट वीडियो के लिंक्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना मत भूलना। सवाल नंबर 76 कहता था, नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी और मेडिसिन फॉर द ईयर 2018 वाज अवार्डेड टू जेम्स एलिसन एंड तासुकु होंजो फॉर देयर डिस्कवरी ऑफ। किस चीज़ की डिस्कवरी के लिए इन लोगों को फिजियोलॉजी और मेडिसिन का 2018 का नोबेल प्राइज दिया गया है? तो ये दिया गया था कैंसर थेरेपी बाय इम्यून रेगुलेशन इसके लिए, और ऑप्शन इस तरह से आपका हो जाएगा थर्ड सही। सो ऑप्शन थर्ड को टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपका 77। कहता था एंजाइम नाइट्रोजिनेज इज इन्वॉल्व इन, किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है? तो रिडक्शन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू अमोनिया इन प्लांट्स, ऑप्शन टू इज करेक्ट। पौधों में वायुमंडलीय नत्रजन के अवकरण से अमोनिया को बनाना। ओके 78 नंबर देखिए, लंग्स हैव लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड, क्या कहलाती हैं ये नैरो ट्यूब्स जो लंग्स के अंदर होती हैं? तो ये कहलाती हैं ब्रोंकियोल्स, ऑप्शन थर्ड इज राइट। नेक्स्ट 79 नंबर, विच जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप इज बींग कल्टिवेटेड इन लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया? तो ये है बीटी कॉटन, ऑप्शन थर्ड सही है। नेक्स्ट 80 नंबर, येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरोक्रोम, यूरोक्रोम नाम का एक वर्णक होता है जिसकी वजह से यूरिन ह्यूमन बींग्स में येलो दिखाई देता है। और अब क्वेश्चन नंबर 81, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज एंटी स्टेरिलिटी विटामिन? तो एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है, इसको हम बांध्य विटामिन भी कहते हैं, तो ये होता है विटामिन ई, बांध्य विरोधी सॉरी। उसके बाद 82 नंबर, द फर्स्ट एंजाइम विच वॉज क्रिस्टलाइज इन प्योर फॉर्म वॉज, तो ये था आपका यूरियस, ऑप्शन थ्री इज करेक्ट। और इसे सुमनर ने क्रिस्टलाइज किया था 1926 में, 1926 में किसने, सुमनर ने, SUMNER सुमनर ने। 83 नंबर, ये स्पॉट द मिसमैच्ड, इनमें से मिसमैच को पहचानना है, तो ये कोरोना रेडिएटा स्पर्म में नहीं होता, ये कहाँ पे होता है? कोरोना रेडिएटा इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल्स फाउंड इन ब्रेन, कहाँ पे? ब्रेन में होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन कंटेन्स किल्ड वायरसेस, इनमें से किस वैक्सीन के अंदर किल्ड वायरसेस होते हैं? इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन IPV, होल्ड ऑन IPV, और सॉक वैक्सीन वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन फिजिशियन जॉन सॉक, दिस वैक्सीन कंटेन्स किल्ड वायरसेस एंड इज गिवन बाय इंजेक्शन। ये वैक्सीन कैसे देते हैं? इंजेक्शन से देते हैं, ठीक है, इंजेक्शन से इंजेक्ट करते हैं ह्यूमन बींग में, बॉडी के अंदर। जबकि दूसरी जो वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन, OPV जिसे कहते हैं, OPV, तो ये कैसे दी जाती है? ओरली दी जाती है, इसे हम सबिन वैक्सीन भी कहते हैं, और ये सबिन वैक्सीन इसलिए कहलाती है क्योंकि इसके इन्वेंटर का नाम है, ये इन्वेंटर का सॉरी, जिसने इसको इन्वेंट किया था। इसमें क्या होता है, लाइव एटेन्यूलेटेड या वीकेंड कहना चाहिए, वीकेंड कमज़ोर वायरसेस होते हैं एंड इज गिवन बाय ओरली, और ये ओरली दिया था। क्लियर हो गया, दो तरह की वैक्सीन पोलियो केस में होती है, IPV और OPV। OPV किसने बनाई थी? सबिन ने, SABIN ने, ठीक है। और IPV किसने बनाई थी? IPV बनाई थी सॉक ने, SCL के सॉक, ठीक है। OPV बनाई सबिन ने, ये ध्यान रखना, ये ओरली दी जाती है और ये इंजेक्शन से दी जाती है, INJ। ओके क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 85, एंजाइम्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन रिमेन एक्टिव एट ऑप्टिमम pH ऑफ, ऑप्टिमम pH क्या होता है हमारी आंतों का? तो ये होता है 7 to 8, उस टाइम पे जहाँ पे एंजाइम एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट 86, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म टू इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, शिवरिंग से बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होता, सॉरी वैसोडाइलेशन से नहीं होता, ठीक है। तो ऑप्शन टू इज करेक्ट, शिवरिंग से होता है, शिवरिंग इसलिए होती है ताकि हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें, और ये अक्सर जाड़ों के दिनों में होता है। नेक्स्ट 87, द हार्मोन दैट इंक्रीज द हार्ट बीट इफ प्रेजेंट इन हायर कंसेंट्रेशन इज, कौन सा हार्मोन है जो हायर
कंसंट्रेशन में अगर प्रेजेंट है तो हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, और ये होता है आपका एड्रेनलिन, जो कि एड्रेनल ग्लैंड से निकलता है। 88 नंबर देखेंगे आप, द सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज रिलीज्ड इन एनवायरमेंट ड्यूरिंग डिकम्पोजिशन एंड मिनरलाइजेशन आर रीयूज्ड बाय डिकम्पोजर्स। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, सॉरी एक सेकेंड, ये भी गलत हो गया। रीयूज होता तो रीयूज तो प्रोड्यूसर करेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बायो फर्टिलाइजर, इनमें से कौन सा बायो फर्टिलाइजर नहीं है? तो एग्रो बैक्टीरियम होगा जो बायो फर्टिलाइजर नहीं है, बाकी तो सब बायो फर्टिलाइजर होंगे। 90 नंबर पूछा, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम अकर्स इन, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब होता है कि खून नसों में होकर बहता है, ए पर्टिकुलर पाथ में, ऐसे करके वेन्स में या आप कहिए आर्टरीज में होकर के। तो ऐसा सिस्टम में से किसमें पाया जाता है? टेडपोल और फिश में पाया जाता है, जो हायर एनिमल्स हैं उनमें पाया जाता है, जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें अक्सर ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जैसे मॉस्किटो में, कॉकरोच में या हाउस फ्लाई में। हाउस फ्लाई का साइंटिफिक नेम क्या है कमेंट बॉक्स में बताइए। 91 नंबर, विच टिश्यू इज एबसेंट इन मोनोकोट्स, मोनोकोट्स में इनमें से कौन सा टिश्यू एबसेंट होता है? तो ये एबसेंट होता है कोलन काइमा, ऑप्शन 4th इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर क्रॉप प्लांट, माइक्रोन्यूट्रिएंट में से कौन सा है? तो यहाँ पे जितने न्यूट्रिएंट्स दिए हुए हैं उनमें माइक्रोन्यूट्रिएंट मतलब कम क्वांटिटी में जिसकी जरूरत होती है वो होता है आयरन, ठीक। और टोटल जो 8 एलिमेंट्स हैं उनको हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से होते हैं? बी होता है, हम लिख देते हैं बी होता है बोरोन, यानी कि फिर होता है क्लोरीन, उसके बाद Mn मैंगनीज, उसके बाद Fe, आयरन की हमने बात अभी की है आपके सामने, उसके बाद होता है Cu भी होता है, निकिल भी होता है, ओके Mo होता है, Zn होता है, सॉरी Zn, क्लियर। तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या है, और कंफ्यूजन से भी आपको ट्रिक बचाएगी, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको इस पर करनी पड़ेगी। ट्रिक होती है बढ़ चले मन मौजी, बढ़ चले मन मौजी BCl, ओके मन मौजी यानी कि MnMo, फिर नया कप जीतने, फिर का क्या रिलेशनशिप है, ये है Fe, नया Ni, निकिल, कप जीतने Cu, कप और जीतने के लिए Zn, ठीक है। तो ऐसे करके कोरिलेट करेंगे, बढ़ चले मन मौजी फिर नया कप जीतने, इससे आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में रिक्वायर्ड होते हैं हमारी बॉडी के लिए, तो वो होते हैं कहलाते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं आपके एन यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, NPK, पोटेशियम, ठीक है। इसके अलावा CaMg, ओके और सल्फर, ये होते हैं। तो इनको याद रखने की ट्रिक क्या होती, काशी जस्ट अ मोमेंट, काशीनाथ का माली MG, परफेक्ट और सिंपल है, क्लियर। तो इससे आप इन सबको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 93, ग्राफ्टिंग इज मोस्ट सक्सेसफुल इन, कहाँ पे मोस्ट सक्सेसफुल होता है ग्राफ्टिंग? ग्राफ्टिंग एक टेक्निक होती है जिससे हम नए प्लांट्स बना सकते हैं पुराने प्लांट की मदद से। तो ये सक्सेसफुल होता है सबसे ज़्यादा डाइकॉट्स में, जिनके अंदर दो बीज पत्र होते हैं, जैसे कि आम का पेड़, उसके बीज को आप फाड़ोगे बीच से तो दो हिस्सों में वो टूट जाता है, तो उनको हम कहते हैं डाइकॉट्स। ओके इनुलिन इज ए पॉलीमर ऑफ, किस चीज़ का पॉलीमर है इनुलिन? इनुलिन फ्रक्टोज का पॉलीमर है, तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 95 नंबर, द एज पुरानी इरिथ्रोसाइट्स आर डिस्ट्रॉयड बाई, कौन डिस्ट्रॉय करता है पुरानी इरिथ्रोसाइट्स को, मतलब ब्लड सेल्स को, RBCs को? तो ये करता है आपका स्प्लीन एंड लीवर, पहला ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 96, विच इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन ऑन दिस अर्थ, इस अर्थ पे संसार में सबसे ज्यादा अबंडेंट प्रोटीन कौन सी है? तो ये आपका राइबोस, बिस फॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, तो ऑप्शन 3rd इज करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 97, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइसोजाइम इज प्रेजेंट इन ट्रेस अमाउंट, इनमें से किसमें लाइसोजाइम बहुत कम मात्रा में पाया जाता है? तो देखिए आंसू में पाया जाता है अच्छी खासी क्वांटिटी में, मानव का दूध और लार में भी, लेकिन गाय के दूध में कम मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका 2। नेक्स्ट देखेंगे आप 98 नंबर, ये सिस्ट्रॉन इज, सिस्ट्रॉन क्या है? तो
सिस्टोन होता है जीव का सबसे बड़ा भाग जिससे सॉरी जीन का सबसे बड़ा भाग जिससे पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है। ठीक है, जीन लिखा है यहाँ पे, जीव जैसा दिख रहा है बट ये जीन है। क्लियर, तो पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 99 नंबर हम देखेंगे। फॉर द डिस्कवरी ऑफ डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल हु रिसीव नोबल प्राइज, किस किस को नोबल प्राइज मिला था? तो ऑप्शन नंबर थर्ड आप यहाँ पे देखेंगे, जेन वॉटसन, और ये आपका फ्रांसिस क्रिक एंड मॉरिस विल्किंसन विल्किंस इन 1962। और आप क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट क्वेश्चन है ये इस क्वेश्चन पेपर का, द टर्म बायोमैग्निफिकेशन मीन्स टू इंक्रीज इन कंसेंट्रेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोलुटेंट्स एज दे पास थ्रू फूड चेन। तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा।